अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग सब ठीक से होंगे। बच्चों, आज हम शुरू करने लगे हैं अपनी सेकंड ईयर की फिजिक्स, जो है फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। उसका मैं देने लगा हूँ आप लोगों को इंट्रोडक्शन। बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या चीज़ है? फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम ऐसी ब्रांच को कहते हैं या ऐसी स्टडीज़ को कहते हैं जिसके अंदर हम चार्जेस को डील करते हैं, चार्जेस की स्टडी की जाती है जो के एट रेस्ट में होते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रो मीन चार्ज और स्टैटिक्स मीन रेस्ट। ओके, चार्जेस को हमने स्टडी करना है जो के रेस्ट में होते हैं। इसके अलावा वो चार्जेस जो मूवमेंट में होते हैं वो हमारी ब्रांच कहलाती है इलेक्ट्रिसिटी की। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हमने चार्जेस को स्टडी करना है एट रेस्ट अंडर सम इलेक्ट्रिक फोर्स। जी, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट अंडर सम इलेक्ट्रिक फोर्स, उसे हम नाम देते हैं किसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। सो इट मीन्स दैट कि हमारे पास वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसके अंदर हमने स्टडी करना है किसको? चार्जेस को, जो कि रेस्ट के अंदर है अंडर सम इलेक्ट्रिक फोर्स, उसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। बच्चों, जैसा कि आपको पता है दो तरह के चार्जेस होते हैं, नेगेटिव चार्ज और दूसरा होता है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। जी, नेगेटिव और पॉजिटिव दो तरह के चार्जेस होते हैं। आपको पता है नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। जबकि पॉजिटिव चार्ज जो है वो होता है प्रोटॉन के ऊपर। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स की, कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है। बच्चों, वो फोर्स जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो फोर्स जो कि इन चार्जेस को होल्ड करके रखती है, यानी कि अब फोर्स होल्डिंग चार्जेस, उसे हम नाम देते हैं किसका? इलेक्ट्रिक फोर्स का। अब बच्चों, इलेक्ट्रिक फोर्स जब चार्जेस को होल्ड करती है, जब डिफरेंट चार्जेस जो हैं मिलते हैं तो वो क्या बनते हैं? एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एंड यू नो दैट कि तमाम चीज़ें जो हैं वो एटम्स या ऑल मटीरियल्स आर मेड अप बाय एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एंड इफ वी कंसीडर आवर बॉडी, ह्यूमन बॉडी, हम भी जो हैं एटम्स और मॉलिक्यूल से ही मिलके बने हैं। तो इट मींस दैट हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो इंटायरली डिपेंड कर रही है किसके ऊपर? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर। यानी ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स जो है हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो कि चैप्टर का। इसमें जो मेन बेसिक डेफिनेशन है वो है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की और इलेक्ट्रिक फोर्स की। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आज से ये दो डेफिनेशन जो है वो इंपॉर्टेंस रखती है। पहली ये कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरी ये व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारे पास द स्टडी ऑफ द चार्जेस एट रेस्ट अंडर सम इलेक्ट्रिक फोर्स, उसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स अ फोर्स होल्डिंग चार्जेस जो कि एटम्स मॉलिक्यूल्स बनाती है, उसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स का। अब हम करने जा रहे हैं इसका फर्स्ट टॉपिक जो कि है 12.1 के नाम से। ये चैप्टर इसका वन जो है ये आपकी बुक के अंदर मेंशन है चैप्टर नंबर 12 के नाम से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है कूलम्स लॉ, यहां इसको जनरल नाम देते हैं कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कूलम्स लॉ। जी बच्चों, कूलम्स लॉ क्या चीज है? हमें पता है दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर और पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के ऊपर। ओके, अब ये भी हमने मैट्रिक में पढ़ा था, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर।
Like charges repel to each other and opposite charges attract to each other. जी, यानी कि नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, और जो डिफरेंट होंगे यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे विद सम इलेक्ट्रिक फोर्स. ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इसकी जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस या इसकी जो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट की, इसके लिए जो फॉर्मूला ड्राइव किया वो किया चार्ल्स कुलम ने. इन 1874 बच्चों चार्ल्स कुलम जो था फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर था, तो इसने जो था क्वांटिटेटिव, इसने जब ऑब्जर्व किया, इसने जब एनालॉगी ली, एनालॉगस किया, इसने न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ को, न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ हमारा एफ इक्वल्स जी एम वन एम टू ओवर आर स्क्वायर, उसने इसकी एनालॉगस प्रॉपर्टीज को जब पढ़ा, उसने कहा कि जैसे कि दो मैसेज जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विद सम फोर्स, तो इसी तरह जो चार्जेस जो हैं वो अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं किसी फोर्स एफ जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, उसकी जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो चार्ल्स ने किया, तो उसने देखा कि दो चार्जेस जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं किसी फोर्स एफ के साथ, वो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस के जो एक दूसरे को म्यूचुअली रिपेल कर रहे हैं या अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनके चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, और वही फोर्स जो है उनके दरमियान पाए जाने वाले डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. यानी कि हम कहते हैं कि कंसिडर हमारे पास दो चार्जेस हैं, से दिस इज द फर्स्ट चार्ज, इसे आप कह लें क्यू वन, और यहाँ पे एट सम डिस्टेंस आर इसे आप कह रहे हैं क्यू टू. ये दो चार्जेस है बच्चों, तो इनके सेंटर से हम डिस्टेंस लेंगे वो हमारा होगा आर. ये दोनों चार्जेस अगर ये सेम चार्जेस हैं तो ये क्या करेंगे बच्चों, एक दूसरे को रिपेल करेंगे विद सम फोर्स. हम कह लेते हैं कि ये फोर्स जो है क्यू वन के ऊपर ड्यू टू क्यू टू वो है फोर्स वन टू, जबकि जो क्यू टू के ऊपर जो है ड्यू टू फोर्स किसकी वजह से Q1 की वजह से, उसे आप कह लें 2-1. तो बच्चों ये दो चार्जेस जो हैं ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं क्योंकि सेम चार्जेस हैं, कह लें ये पॉजिटिव है ये भी और ये भी पॉजिटिव है, तो ये विद सम फोर्स F जो है एक दूसरे को रिपेल करेंगे. ये फोर्स जो है म्यूचुअल फोर्स होगी, सेम मैग्नीट्यूड होगी बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगी क्योंकि सेम चार्जेस हैं. अगर यही हम चार्ज जो है इसको हम नेगेटिव चार्ज ले लें तो ये Q1 जो है अब फोर्स की डायरेक्शन जो है इस तरफ हो जाएगी और ये Q2 जो है ये पॉजिटिव ले लें, तो ये दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे और इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो R है. अब ये फोर्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ये फोर्स फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी. तो चार्ल्स कूलम ने जो ऑब्जर्व किया था क्वांटिटेटिवली, जो उसने एक्सपेरिमेंटली जो उसने ऑब्जर्व किया कि ये फोर्स जो है इन चार्जेस के प्रोडक्ट के क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है और इनके दरमियान पाए जाने डिस्टेंस के इन स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. इसको अगर हम बच्चों कंबाइन करते हैं इन दो इक्वेशंस को, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू वन Q2 ओवर R स्क्वायर आती है. इट इंप्लाइज दैट अगर हम ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट खत्म करें तो F इक्वल सम कांस्टेंट K, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट K. व्हाट इज K? बच्चों K जो है यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहलाता है, ठीक है. और इसकी जो वैल्यू है अगर हम बात करें इसकी वैल्यू की, तो के की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है किन चीजों पे,
ये डिपेंड करती है मीडिया बिटवीन द चार्जेस, यानी मीडियम जो है, मीडियम बिटवीन चार्जेस, और हमारे पास जो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स है उसके पे, यानी सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स जिसमें हम जो है फोर्स Q1, Q2 चार्जेस और R जो है हम मेजर कर रहे होते हैं, जिसमें सिस्टम, जिस सिस्टम के अंदर जो है इनके हम यूनिट्स ले रहे होते हैं, जो K की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है इन चीजों के ऊपर। अगर हम फोर्स F, Q चार्ज और जो डिस्टेंस R है, इसे अगर हम सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स के अंदर जो है मेजर करते हैं, और जो दो चार्जेस हैं इनके दरमियान पाई जाने वाली जो मीडिया है वो कोई मीडिया नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, वो फ्री स्पेस है, देन के की वैल्यू जो बच्चों हम निकालते हैं, के की वैल्यू आती है 1/4 πε0। यहां पे जो एप्सिलॉन नॉट जो है बच्चों, ये हमारे पास जो है ये कहलाती है इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट, इसे नाम देते हैं हम इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट का। और इसकी जो वैल्यू है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स के अंदर, इसकी वैल्यू जो आती है इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट की 8.85 × 10⁻²⁻¹² न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बल्कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अगर अब हम ये वैल्यू जो है इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट की, जो कि हमारे पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी कहलाती है, यहां पुट करते हैं, तो के की वैल्यू जो बच्चों आती है वो आती है 9×10⁻¹⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर के इक्वल आती है। अब हम क्या करेंगे, हमने के की वैल्यू जो है यहां पर इंसर्ट करनी है, के की वैल्यू लिखते हैं, बच्चों अगर हम k की वैल्यू यहां पे इंसर्ट करते हैं k की जगह पे, यानी 1/4 πε0 q1 q2/r² एप्सिलॉन नॉट हमारे पास इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहलाता है। बच्चों ये जो फोर्स है बिटवीन द टू चार्जर्स, आइदर द चार्जर्स आर सेम, मीन टू सेम टाइप, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, और ऑपोजिट चार्जेस, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये जो फोर्स है, दिस इज द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, व्हेन बिटवीन द चार्जेस देयर इज नो मीडियम, यू कैन से दैट फ्री स्पेस। जब फ्री स्पेस होगी, स्पेस के अंदर जो है दो चार्जेस जो हैं एक दूसरे पे जो फोर्स लगाएंगे वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग होगी। ये इक्वेशन जो आपकी बुक के अंदर मेंशन है, यह है 12.3 के नाम से, this is a 12.3 equation number which is mentioned at your textbook। now bachcho jaise ki maine pehle bataya, ye force jo hai yahan se, ye mutual force hai, yani ki agar q1 jo hai q2 pe force lagata hai to same force jo hai wo q2 q1 pe lagayega but in opposite डायरेक्शन। लेट से कि हमारे पास जो Q1 के ऊपर ड्यू टू Q2 फोर्स लगती है वो है F12, ठीक है, जबकि ऑन Q2 ड्यू टू Q1 जो फोर्स लगती है वो है F21, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो इट मींस अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो हमें इसके साथ नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, तो नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्स लग रही है। अब बच्चों फोर्स जो है हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर की बुक के अंदर, चैप्टर हमारा सेकंड जो चैप्टर था कि फोर्सेस आर वेक्टर्स, अगर ये वेक्टर्स हैं तो फोर्स की कोई ना कोई डायरेक्शन होती है, ठीक है। एंड हमने ये भी पढ़ा था कि किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को शो करने के लिए, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक यूनिट वेक्टर यूज करते हैं जो कि उस रिस्पेक्टिव वेक्टर की डायरेक्शन को शो करता है और उसकी जो वैल्यू होती है वो वन होती है। तो यहां पे हम इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं बच्चों यूनिट वेक्टर आर, जो कि इन म्यूचुअल फोर्सेस की डायरेक्शन को
रिप्रेजेंट करेगा इन म्यूचुअल फोर्सेस की डायरेक्शन को शो करेगा. लेट्स से हमारे पास यहाँ पे एक क्यू चार्ज है, दिस इज द क्यू वन. अब बच्चों ये चार्ज जो है ये फोर्स लगाएगा ऑन चार्ज क्यू टू, ठीक है. द फोर्स ड्यू टू क्यू वन ऑन क्यू टू हमने लिखी थी एफ टू वन. अब बच्चों इस फोर्स का कोई ना कोई यूनिट वेक्टर भी होना चाहिए. जैसे कि मैंने कहा कि हम यूनिट वेक्टर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पे स्मॉल आर लिखेंगे. इसके अलोंग यूनिट वेक्टर भी हमारा क्या होगा, आर सबस्क्रिप्ट में हम बेस में लिखेंगे टू वन. तो बच्चों ये हमारा यूनिट वेक्टर है जो कि इस फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा. सिमिलरली बच्चों क्यू टू जो है क्यू वन पे जब फोर्स लगाएगा तो डेफिनेटली इस फोर्स का भी कोई ना कोई यूनिट वेक्टर होना चाहिए. तो इस फोर्स का जो रिस्पेक्टिव यूनिट वेक्टर होगा, फोर्स एफ वन टू का द यूनिट वेक्टर अलोंग दिस फोर्स, हम उसको कहेंगे आर यूनिट वेक्टर वन टू. तो इट मींस ये दोनों यूनिट वेक्टर्स भी सेम होंगे, बराबर होंगे, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन होंगे. तो इट मींस दैट यू कैन राइट यूनिट वेक्टर टू वन इज इक्वल टू माइनस यूनिट वेक्टर वन टू. What does it show? It shows that these two unit vectors mutually in opposite direction along the forces. अब बच्चों हम इन forces को जो है अगर लिखना चाहें तो it means that कि हमारी जो force F12 है वो क्या होगी, 1 over 4 pi epsilon naught Q1 Q2 over R जो है. बच्चों अब यहां पे R स्क्वेयर और इसके साथ इसका रिस्पेक्टिव यूनिट वेक्टर जो है वो भी हम लिखेंगे. दिस इज 1 2, सो वी विल राइट यूनिट वेक्टर 1 2 जो कि इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा. अब इसके ऊपर हम एरो भी लिखते हैं या हम इसके ऊपर कैप भी बना सकते हैं, क्योंकि कैप जो होती है वो यूनिट वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती है, जैसे कि हमने वेक्टर्स के अंदर पढ़ा था. जैसे कि हमने थ्री बेसिक यूनिट वेक्टर जो हमने थ्री डायमेंशनल थ्री डी प्लेन के अंदर हमने पढ़े थे, एक था हमारे पास अलोंग द एक्स एक्सिस जिसे हमने कहा था आई कैप, एक था अलोंग द वाई एक्सिस जिसको हमने नाम दिया था जे कैप, और तीसरा था अलोंग द जी एक्सिस जेड एक्सिस जिसे हमने नाम दिया था के कैप का. तो यहां पे इनके ऊपर एरो के बजाय हम लगाते हैं कैप्स जो के एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है यूनिट वैक्टर्स के. सो बच्चो यहां पर यूनिट वैक्टर अलोंग द फोर्स एफ वन टू इज यूनिट वेक्टर आर वन टू. सिमिलरली फॉर फोर्स टू वन, वन ओवर फोर पाए इलेक्ट्रिकल कॉन्स्टेंट एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वेयर एंड यूनिट वेक्टर अलोंग द फोर्स टू वन विल बी यूनिट वेक्टर टू वन. ओके बच्चों दीज टू इक्वेशंस आर मेंशन्ड बाय इक्वेशन 12.5a at your textbook and 12.5ab at your textbook respectively. So these two equations are holding when two charges repel or attract to each other with some force 1 2 and 2 1 when there is no medium, when these charges are in free space. Okay bacho, ab hum baat karne ja rahe hain what is the effect of the medium. What is the effect of the medium? If we place a medium, if we put a medium between these two charges, then what will be the force? Either the force is greater than to the free space or less than to the free space. Let's see that. Okay, now we are going to deal effect of medium. हम देखने जा रहे हैं अगर हम इन चार्जेस के दरमियान कोई भी मीडियम रख देते हैं, मीडियम हमारे पास कोई प्लास्टिक हो सकती है, कोई पेपर हो सकता है, वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. अगर इन दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम आ जाता है बच्चों, तो ये ऑब्जर्व किया गया है एक्सपेरिमेंटली कि जो फोर्स होती है इन दो चार्जेस की, म्यूचुअल फोर्स जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है,
वो फोर्स कम हो जाती है एज कम्पेयर टू द फ्री स्पेस के अंदर जो हमने फोर्स मेजर की है इक्वेशन नंबर 12.3 के साथ, उसकी निस्बत ये फोर्स क्या हो जाती है, कम हो जाती है ड्यू टू द मीडिया. और उस मीडियम की जो जो रिडक्शन ऑफ द फोर्स है, फोर्स रिड्यूस्ड बाय अ सर्टन फैक्टर, बाय अ सर्टन फैक्टर देन टू द फोर्स इन फ्री स्पेस. फ्री स्पेस के अंदर जो हमने फोर्स मेजर की बच्चों, उसकी निस्बत अगर हम कोई मीडिया रखते हैं इन दो चार्जेस के दरमियान, तो फोर्स जो है वो कम हो जाती है बाय अ सर्टन फैक्टर. वो फैक्टर हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कहलाता है, और उस फैक्टर की कोई ना कोई वैल्यू होती है हर मीडिया के लिए स्पेसिफिक डाइलेक्ट्रिक. उस मीडियम को हम नाम देते हैं डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट या डाइलेक्ट्रिक का डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट का, क्योंकि बच्चों हर मीडियम के लिए उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है. जैसा कि ये टेबल आपकी बुक के अंदर भी मेंशन होगा, पेज नंबर जो थर्ड पेज है उसके अंदर जो है ये डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट जो है हर मीडियम का एक स्पेसिफिक डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट होता है. जैसे कि वैक्यूम या फ्री स्पेस का जो है वो 1 है, जबकि एयर का जो है वो हम लेते हैं 1.006. इसी तरह सबसे ज्यादा जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो है 78.5 फॉर वाटर. बच्चों इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन नॉट सबस्क्रिप्ट में आर लिख के. ये हमारे पास कहलाती है रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी जी, इसको नाम देते हैं हम रिलेटिव परमिटिविटी का. नाउ वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू कांस्टेंट हेयर इन आवर फॉर्मूला 12.3 व्हिच इज नेम्ड एज रिलेटिव परमिटिविटी व्हिच इज ड्यू टू द सम मीडियम व्हिच इज प्लेस्ड व्हिच इज पुट बिटवीन द दीज टू चार्जेस Q1 एंड Q2 व्हिच रिड्यूस द फोर्स फॉर सम सर्टन फैक्टर. दिस फैक्टर इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक और डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, एंड एवरी मीडियम हैज इट्स स्पेसिफिक dielectric constant. As vacuum has 1, air has 1.006, and maximum dielectric constant is water 78.5. then we can write our equation 12.3 as F equals 1 over 4 pi epsilon naught and epsilon naught r, which is the this is the relative permittivity and this is the permittivity of the free space electrical constant Q1, Q2, these two charges are 2, and this is the magnitude of the force when there is a medium between the two charges Q1. This is say positive and this is also positive Q2, and distance between their centers is R. This force is F21, this force is 12 and 21. तो बच्चों ये equation जो है ये dielectric constant वाली, ये तब हम use करते हैं जब कोई medium जो है वो आ जाता है दो charges के दरमियान, और उस वजह से जो है जो electric force होती है between the two charges वो by certain factor जो है वो reduce हो जाती है as compared to the force in free space. तो बच्चों हम usually जो है air के लिए भी हम factor 1 ही consider करते हैं. तो air के अंदर हमारे पास यही equation जो है in air हम वही equation जो है लेते हैं जो हमारी free space के अंदर है. हम नेगलिजिबल जो वैल्यू है 0.006 इसको हम रिड्यूस या इसको निगलेक्ट करके हम एयर के अंदर भी यही वैल्यू यूज करते हैं फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस से Q1 एंड Q2. सो दिस इज योर कूलम्स लॉ, एंड अनदर नेम जनरल नेम इज
कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स।